अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ अमेज़न का चिल्ला। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि केपा के थ्रू ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि केपा के थ्रू जो प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करें उसकी एनालिसिस कैसे करेंगे और एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट कैसे फाइनलाइज करेंगे। तो इसके लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया कैसे पुट करना है। तो आज थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। सबसे पहले आता है सेल रैंक, तो 90 डेज का हम करेंगे, 1 से लेके 60,000 तक। तो मैक्सिमम में हम 60,000 पुट करेंगे। बॉय बॉक्स प्राइस मिनिमम हम 20 पुट करेंगे। अमेज़ॉन को हमने आउट ऑफ स्टॉक किया था, बाकी नीचे आ जाते हैं। कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल आज हम सेलेक्ट कर लेते हैं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर। अच्छा, फिर आ जाते हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं पिछले लेक्चर में भूल गया था, काउंट ऑफ रिट्राइव्ड लाइव ऑफर। इसका मतलब है कि पहले से कितने सेलर्स ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो हमारे पास होने चाहिए 3 से लेके 15 सेलर्स होने चाहिए जो कि प्रोडक्ट पहले से सेल कर रहा हो तो ये पहले लेक्चर में मैं भूल गया था, तो इस लेक्चर में हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, फिर आ जाते हैं बाय बॉक्स सेलर, थर्ड पार्टी करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट्स चाहिए हमें, नो वेरिएशंस चाहिए। फिर नीचे आ जाते हैं सेल रैंक, रेटिंग हमें 4+ चाहिए, तो मिनिमम में 4 करेंगे। रिव्यू 90 डेज, मिनिमम हम 50 करेंगे। आइटम वेट अंडर 2 kg हम करेंगे और फाइंड प्रोडक्ट्स करेंगे, तो ये हमें प्रोडक्ट्स शो कर देगा। इसके बाद हम जो प्रोडक्ट्स हमें कीपा शो कर देगा उनके हम एनालिसिस करेंगे। तो एनालिसिस कैसे करेंगे? अच्छा, ये प्रोडक्ट्स 66 प्रोडक्ट्स कीपा ने हमें दे दिए। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, यहाँ पे प्रोडक्ट के स्टार्ट में, तो यहाँ पे हमको एक निशान दिया गया है ए, इस पे अगर हम क्लिक करेंगे तो सीधा ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे ओपन हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है ई, इस ई पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट ईबे पे ओपन हो जाएगा। तो हमें पता चल जाएगा कि ईबे पे इस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है और अमेज़ॉन पे क्या है, और फिर इसकी एनालिसिस करेंगे हम, इसकी प्रॉफिट निकालेंगे कि कितना प्रॉफिट बच जाता है इस प्रोडक्ट में हमें। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं अमेज़ॉन पे, ईबे पे ओपन हो गया। अच्छा, इससे पहले एक और बात कि आप लोगों ने यहाँ पे सर्च करना है कीपा क्रोम एक्सटेंशन। अगर आप लोगों ने कीपा क्रोम एक्सटेंशंस डाउनलोड ना किया हो तो आप लोगों को आगे जाके एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अमेज़ॉन पे आप लोगों ने सर्च करना है कीपा क्रोम एक्सटेंशन, जो भी आप लोग यूज़ कर रहे हो। अगर कोई मैक यूज़ कर रहा है तो आप मैक पे लिख सकते हो, अगर क्रोम यूज़ कर रहे हो तो कीपा क्रोम एक्सटेंशन आप सर्च कर सकते हो। सर्च करने के बाद इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ मुझे शो हो रहा है रिमूव फ्रॉम द क्रोम। ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड करके पिन कर दिया हुआ है। तो अगर आप लोग करोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे आ जाएगा कि डाउनलोड, तो आप लोगों ने इसको डाउनलोड करके और यहाँ पे आप लोगों ने इसको पिन कर देना है, ताकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे ओपन करो तो कीपा का ग्राफ आप लोगों को शो हो जाए। तो ये प्रोडक्ट हमने ओपन कर दिया, कीपा ने हमें शो कर दिया कि ये प्रोडक्ट अमेज़ॉन पे पड़ा है। इसके आप एनालिसिस करके देख सकते हो कि ये प्रोडक्ट आप लोग सेल कर सकते हो या नहीं। तो हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है आप लोगों को नज़र आ रही है, ये मैंने एक्सटेंशंस डाउनलोड किया और टूल्स जो है ना वो लगाए हुए, तो इसलिए आ रहे हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। अच्छा, ये ग्राफ अगर आप लोगों को नज़र आ रहा है तो ये कीपा का ग्राफ है। इस ग्राफ को हम आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि एक प्रोडक्ट फाइनल करने के लिए इस ग्राफ के थ्रू हम कैसे एक प्रोडक्ट को फाइनल करके फिर सेल आउट कर सकते हैं। तो इस साइड पे, राइट साइड पे अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो ये डॉट्स लगे हुए हैं, तो इन डॉट्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो सबको हम रिमूव कर देते हैं,
और सिर्फ बाय बॉक्स की हम आज पहले डिस्कशन कर लेते हैं कि बाय बॉक्स कि हमें किस तरह शो होगा, कि बाय बॉक्स क्या है, बाय बॉक्स से हम किस तरह प्रोडक्ट फाइनल कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो ग्राफ है हम पास्ट थ्री मंथ्स का डिस्कस करते हैं। हम किसी भी प्रोडक्ट को फाइनल करने के लिए उसकी पास्ट 3 मंथ्स की जो स्टेट्स होते हैं वो देख लेते हैं। उससे फिर हम एनालिसिस करते हैं कि पास्ट 3 मंथ्स से इसकी ये स्टेट्स है, तो हो सकता है कि आगे जाके फ्यूचर में भी इनके यही सेम स्टेट रहेंगे, तो इससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, हमें बाय बॉक्स जो है ना कांस्टेंट चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। ये ना हो कि एक दिन उसकी प्राइस जो है ना $10 हो, दूसरे दिन उसकी प्राइस $50 हो, तीसरे दिन उसकी प्राइस जो है ना $30 हो। अगर एक से लेके $5 के आसपास उसमें फ्लक्चुएशन आ रहा है तो वेल एंड गुड, अगर उससे ज्यादा आ रहा है तो फिर हम इस प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं। तो इस प्रोडक्ट के हम बाय बॉक्स देख लेते हैं कि इसकी प्राइस में कितना फ्लक्चुएशन है। तो अगर हम देख ले तो 88.75, 88, 88, 88, 88, इसका सेम ही प्राइस चल रहा है। तो अगर प्राइस सेम चल रहा है तो इसका मतलब है कि अगर इनकेस हमें इसमें से प्रॉफिट फॉर एग्जांपल $10 बच जाता है, अगर हम इसको लिस्ट करके सेल करना चाहे तो हमें भी $9-$10 प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन अगर इसकी प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट कर रहा हो, फॉर एग्जांपल अभी 79 है, तो अगर आज 79 है, कल इसकी प्राइस जाके 60 पे आ गई या 50 पे आ गई, तो ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इस प्रोडक्ट को फिर हम अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम इसकी बाय बॉक्स देख लेते हैं कि सेम ग्राफ दे रहा है पास्ट 3 मंथ से या नहीं। तो सबसे पहले तो हमने बाय बॉक्स देखना है। ये आप लोगों को नजर आ रहा है ये ग्राफ है, तो इसकी अगर हम लोवेस्ट देख ले तो लोवेस्ट कितने पे आया हुआ है, यहाँ पे अगर हम देख ले लोवेस्ट तो ये आया हुआ है 67 पे। हाईएस्ट अगर हम देख ले तो हाईएस्ट कितने पे आया हुआ है, हाईएस्ट इसका आया हुआ है 88। अच्छा, नेक्स्ट इसके डिस्कस कर लेते हैं कि अमेजोन इस प्रोडक्ट को सेल तो नहीं कर रहा, फिर हम बाय बॉक्स को रिमूव करके अमेजोन पे क्लिक कर देंगे तो हम देख लेंगे कि अमेजोन इसको सेल कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए जो येलो आप लोगों को नजर आ रहा है, तो इसी टाइम अमेजोन ने इस प्रोडक्ट को सेल आउट किया है, और जहां पे आप लोगों को पूरे इस ग्राफ में येलो नजर नहीं आ रहा तो उसी टाइम अमेजोन ने सेल नहीं किया है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 24, 25, Thursday, July 27 पे अमेजोन ने इस प्रोडक्ट को सेल किया है। इसके अलावा अमेजोन ने क्या है July 16 पे, इसके अलावा अमेजोन ने क्या है July 11 पे, इसके अलावा अमेजोन ने क्या है June 12 पे। तो अमेजोन कभी इसको सेल करता है, कभी इससे आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो अगर प्रॉपर यहाँ से पूरा का पूरा यहाँ पे पूरा ग्राफ हो अमेजोन का या येलो ग्राफ हो, तो इसका मतलब ये होगा कि पूरा मंथ जो है ना अमेजोन ये प्रोडक्ट सेल करता है, तो फिर उसी केस में हम इस प्रोडक्ट को अवॉइड करेंगे। लेकिन अगर इसी तरह जो आप लोगों को नजर आ रहा है कभी सेल आउट कर रहा है, कभी नहीं कर रहा, कभी आउट ऑफ स्टॉक है, तो फिर उसी प्रोडक्ट को हम सेल आउट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि सेल रैंक कितना होना चाहिए इस प्रोडक्ट, सेल रैंक इसका कितना फ्लक्चुएट हो रहा है। तो सेल पे हम क्लिक सेल रैंक पे क्लिक करेंगे और अमेजोन को रिमूव कर देंगे। इसको अगर हम देख ले तो हमारा क्राइटेरिया था कि 1 से लेके 60,000 के बीच में एक प्रोडक्ट का बीएसआर होना चाहिए। तो हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि 60,000 से इसका बीएसआर ऊपर गया है या नहीं गया है। तो यहाँ स्टार्ट से हम कर लेंगे तो यहाँ पे इसका रैंक आ रहा है 77, 80, 89, 91, 84। तो ये है कि 1000 से भी ऊपर नहीं गया है इसका सेल रैंक, ये 100, 120 में चल रहा है, 19, 134 तक गया, 125, 107, 132, 127। तो इसका मतलब ये कि इस प्रोडक्ट का जो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक जो हमारा हमारे पास सेल रैंक होना चाहिए उसमें ही फॉल कर देता है, हमारे क्राइटेरिया में आता है। जो हमारा क्राइटेरिया तीनों को तीन क्राइटेरिया अभी तक हमने देख लिए, तो इन तीनों क्राइटेरिया को ही उनमें ही प्रोडक्ट फॉल कर रहा है। अच्छा, इसके बाद हम फिर इस प्रोडक्ट की सेल देखेंगे कि ये मंथली कितने सेल्स कर रहा है
और डेली कितने सेल्स कर रहा है। हमारा क्राइटेरिया था कि मंथली 250 से अबाव एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हो तो वो हमारे क्राइटेरिया में फॉल करता है। तो इसके सेल्स हम कैसे देखेंगे, एक तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे आपने इस प्रोडक्ट की, हम नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन और प्रोडक्ट डिटेल में इसकी यहाँ पे बेस्ट सेलर्स रैंक लिखा हुआ है, ये 102 इसकी रैंक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे गूगल पे, गूगल पे सर्च करेंगे FBA टूलकिट, FBA टूलकिट ओपन करेंगे। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है जो हमें किसी भी प्रोडक्ट की मंथली और डेली सेल्स शो कर देता है। तो हम उसी प्रोडक्ट का सेल रैंक जो है ना कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे, जिस भी कैटेगरी का वो प्रोडक्ट हो उसी कैटेगरी में हम वो रैंक पेस्ट करके सर्च करेंगे तो ये FBA टूलकिट हमें उस प्रोडक्ट की डेली सेल्स शो कर देगा। तो जो प्रोडक्ट हमने अभी किया उस वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का प्रोडक्ट था और उसका रैंक था 102। इसको हमने यहाँ पे पुट किया और गो पे क्लिक कर दिया। तो ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है 77, तो इसका मतलब है कि पर डे ये प्रोडक्ट 77 सेल्स कर रहा है। अगर हम इसको 30 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब है कि इस प्रोडक्ट की सेल्स भी अच्छी खासी है। फॉर एग्जांपल इसको हम मल्टीप्लाइड करते हैं, 77 मल्टीप्लाइड बाय 30 कर लेते हैं तो ये आ जाता है 2310, 2310 सेल्स करता है पर मंथ ये प्रोडक्ट। इसमें अगर ज्यादा से ज्यादा 10 सेलर्स भी हो, अगर 10 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे तो ऑलमोस्ट 200 सेल पर सेलर आ जाता है। तो इसी तरह हम इस एक किसी भी प्रोडक्ट की पर मंथ या पर डे सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक आज का था हमारा लेक्चर। इसके बाद हम इसमें जो हमारे क्राइटेरिया में कुछ और भी पॉइंट्स थे वो रहते, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे, कि एक प्रोडक्ट में हमें कितना प्रॉफिट बच जाता है और फिर उसकी जो डिस्ट्रीब्यूटर है या ब्रांड है तो उससे उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे और फिर उसको ऑर्डर कैसे करेंगे। ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पे भी समझ ना आया हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।